और अपनी खुशी चाहती हैं तो आप उन लोगों से संपर्क नहीं करें तो अच्छा है। इसमें आपकी और क्या साइकिल पीछे वाली भी गए होंगे। वेरी नाइस। तो नीचे चल करके देखो तो नहीं दिखता ऐसे, नीचे तो दिखेगा ही। अच्छा, अकेले जाओगे? बाय बाय। ठंड में दिक्कत करती है बाइक स्कूटी नहीं आप लोग। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आंखें नहीं खुल रही हैं, तैयार हो रही हैं, पता नहीं कहाँ जा रही हैं। ये देखो देवानंद बने हुए। हाँ, क्या कह रहे हो? कहाँ लुढ़क पुढ़क जा रहे हो? अकेले जाओगे? बाय 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 बाय। कहाँ जा रही हो? बैंक जा रही हूँ पैसा निकालने। अरे बहुत तेज चल रही हो तुम। किसी को ढोलक मड़वानी हो तो आ जाओ। नई ढोलक भी बेच रहे होंगे वैसे भैया ये। वीवो शादी में लेंगे नई ढोलक। क्यों वीवो? स्कूटी चमक रही है। क्या बात, सर्विस कराई है स्कूटी की? मेरे पति देव ने बैटरी खराब हो गई थी, सर्विस स्टार्ट नहीं हो रही। मेरे पति देव ने सोचा किक मारनी पड़ रही है शीनू को। मैंने कहा यार लोगों की किक मारूं तो समझ में भी आता है, स्कूटी की क्या किक मारूं मैं, फिर से स्टार्ट ना हो रही। ठंड में दिक्कत करती है बाइक स्कूटी नहीं। आप लोग जल्दी से दुआ करो कि हम प्लेन ले लें। जो हवा में उड़े हैं। सेल्फ नहीं ले रही, फिर से नहीं ले रही। है ना, अभी बैठ रही हूँ बेटा, हो जाएगी वो यो। अभी कल से चली भी तो रही है लास्ट से। नहीं तो करंट भी नहीं आ रहा ना। गाइस हम लोग आ गए हैं बैंक, कुछ जरूरी काम था तो आना पड़ गया। यहाँ पे विवान अपनी सेटिंग कर रहे हैं डैडी से कि मुझे कुछ चाहिए। मुझे उतार दो इन्हें पैर उतरना। कह रहे डायनासोर कैप लगा दो, तो आप डायनासोर कैप लगवाइए। गर्मी आ गई ना वीवो के अकॉर्डिंग। कब कंप्लीट हो जाएगी? हो जाएगी, अब जैसे समय मिलता है मैं वैसे ही बना लूँ। धूप में दिख रहा है तो मैं दिखता तो है ना? धूप में हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मतलब ऐसे ऊपर करके देखो तो नहीं दिखता, ऐसे नीचे तो दिखेगा ही। अच्छा, कौन है? गणेश जी। वेरी नाइस। किसी को कमेंट, किसी को चाहिए हो तो कमेंट करके मांग लेना। अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद शुरू करूंगी सेल करना। अरे नहीं, सेल करोगी बराबर। अरे तैयार है तो क्या हो गया, कर रही हो तो। नहीं नहीं सही है, जो करो अच्छा है। जो लेना चाहे ना वो कॉन्टेक्ट करेगा। पता नहीं कहाँ से इसने भेज लिया, आवाज आ गई तो रो रो के घर भर दिया। और नीचे चलो, और सिक्के उक्के रखे रहते हैं इन्हें कहाँ कहाँ, तो वहाँ से बटोर लाते हैं कि चलो मामा चलो। इन्हें ये तो समझ में आ गया कि बिना पैसों के नहीं मिलता है कुछ। पैसा ही सब कुछ है। नहीं यही करवा देगी, ये ले लो ये। तो ये क्या नाम है आपका? आशीर्वाद। आशीर्वाद जी, बड़ा बढ़िया नाम है आपका। क्या बात है। तो कहाँ से कहाँ कहाँ जाते हो आप? हर जगह घूमते हैं। वैसे हैं कहाँ से आप? ये हार्टमैन बाकी की छोड़ी। अच्छा अच्छा, लेकिन नाम आपका वाकई बहुत बढ़िया है। आशीर्वाद जी। हाँ क्या ले रहा है भोपा? तो भोपा दिला दो, भोपा बजाएगा पूरे दिन। चलो मैं जा रहा हूँ। दे दो, कितने का है? 20 रुपीज़। गाइस गया था साक्षी का फ़ोन ठीक कराने, फ़ोन ख़राब हो गया है और घर पहुंचने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि वीवो के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता है अंकल की शॉप से। फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, चलते चलते अपने आप ही ख़राब हो गया। और उसमें डिस्प्ले वगैरह तो सब सही है, दिखाया तो, उसमें लाइट नहीं आ रही है। मतलब समझ रहे हैं आप, लाइट का सप्लाई नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले तो ठीक है उसकी,
ओवरऑल फ़ोन छोड़ दिया, बोला भैया आपको फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, रात उत में बताएगा कि क्या दिक्कत है, क्यों तबीयत खराब है उसकी और क्या दिक्कत आई है। नहीं हुआ सही आपका फोन, अब भी चीज लेके आया फिर भी नजर है उसकी चीज पे, देख रहे हो साइकिल चला के गया नीचे। हम उसे कह रहे हैं मम्मा स्ट्रीट डॉग्स प्यारे होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स। साइकिल से गया शॉप पे, साइकिल पीछे वाली पे गए होंगे। वेरी नाइस, तो नीचे चला ली, नीचे चलाने में आलस करते हैं। चला ली जहाँ जहाँ थोड़ा गड्ढा आ जा रहा तो कह रहा मम्मा गिर जाएगा विमान गिर जाएगा मम्मा। गिरे तो नहीं क्या ओ? और तलिया पैसे डाल के ले गए थे, सिक्के पहले ही ले गए थे यार, तो बोले अंकल को दे दो पैसे। तो कितने ले गए थे, पूरे कम सिक्के ले आते हैं मतलब, ये तो पता ही है इन्हें। कितने पैसे ले गए थे तुम, ये क्या लेके आया डैडी, वो कौन सा बिस्किट लेके आया, वाओ ये कौन सा है, ओट्स एंड बेरी। ये अंकल ने बताया नया आए ले जाओ टेस्ट करके देखो, तो मैंने कहा ठीक है। पूरे दिन धूप निकलने के बाद शाम को हो गई है ठंड। अभी सिंह ने जला लिए आग, दिखाओ साइकिल अपनी साइड में रखते ना, अभी वो जल गई, लकड़ियाँ गीली होंगी कहाँ लागी जल जाएगी, कोयला मंगा लो। पन्निया तुमने सब जलाए थे, अब क्या करें, लाओ पन्नी। कहाँ से लावे, कहाँ से लावे, हमारी जिंदगी पन्नी बन गई है, हमें जला दो। सब का पन्नी में तो कलर है। ए कुंभा मच्छू लियो, अंदर से लेके आता हूँ। खाली है वो किचन वालों थैला, देखा जल गई आगे, मैंने एक फूंक मारी आगे जल गई। मेरे ससुराल वालों के अकॉर्डिंग मैं तो मुंह से वैसे भी आग फेंकती हूँ। नहीं तो जली है, मैंने फूंक मारी तो जली, नहीं संपूर्ण जली नहीं, लेकिन अभी रिस्की है मामला, कभी भी बुझ सकती है। तो कोई बात नहीं, दोबारा फूंक दूंगी मैं, मेरी फूंक में आग है। ओ बॉल नहीं। तो गाइस एक शक्ल कैसी हो रही है गंदी सी, अरे क्या पता क्या गए तुम, चूल्हे में बैठी रहोगी काली हो जाओगी। काली तो हूँ मैं वैसे भी, पीछे हो जाओ। कोई नहीं दिल वाली हूँ ना, काला गोरा क्या होता है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। देखो तो एक बंदा कमेंट कर रहा है, पता नहीं किस नाम से, अजीब से नाम से, हेलो अजीब से नाम से इसकी आईडी है, कॉलेज बल्लिया करके कुछ है। हमें नहीं लगता कि आपको आपके आपकी मम्मी पापा या भाई आपको कभी, और उन्हें अपनाना भी नहीं चाहिए आपको। ये देखो ये निकल गया है एक समाज के ठेकेदार, और कह रहे हैं और आप अपने परिवार की खुशी और अपनी खुशी चाहती हैं तो आप उन लोगों से संपर्क नहीं करें तो अच्छा है, इसमें आपकी और के आगे इन्हें कुछ नहीं लिखा है। देखिए ये मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही समाज के तगड़े ठेकेदार हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमें किससे संपर्क करना चाहिए और किससे नहीं। मतलब इनने सारा ठेका ले लिया है हमारी ज़िंदगी का और हमारे माँ बाप की ज़िंदगी का। भाई तुम कौन होते हो ये चीज़ बताने वाले कि हमें अपने माँ बाप से संपर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करेंगे तो तुमसे पूछ के थोड़ी करेंगे, और ना ही तुम्हें बता के करेंगे, और तुम मना कर दोगे तो जरूर थोड़ी कि करेंगे ही नहीं, बिल्कुल करेंगे एक दिन, और उनका मन होगा तो वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे। पता नहीं ऐसे समाज के ठेकेदार कहाँ से निकल के आते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता। जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए लोगों को, उन मुद्दों पर ये लोग कभी बात नहीं करते। थैंक यू वीवो, उन मुद्दों पर ऐसे लोग कभी बात नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों की लाइफ में आकर इंटरफेयर करते हैं और इतनी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। भाई क्यों ज़रूरत क्या है, क्यों जजमेंटल हो रहे हो, हमें ये समझ में नहीं आता। बाकी तो ज्ञान देने वाले तो हमेशा ज्ञान देंगे ही, और इनको इनकी भाषा में ही ज्ञान दे दो तो इन्हें बुरा लग जाता है कि अरे तुम तो बहुत बदतमीज़ हो, अरे तुम तो ऐसे बोलती हो। तो भाई जब अच्छा बोलोगे तभी तो अच्छा सुनोगे, कैसे उम्मीद कर लेते हो तुम लोग कि तुम कुछ उल्टा सीधा कमेंट करोगे, और साक्षी मिश्रा तुम्हें बहुत तमीज़ से रिप्लाई देंगी, फूलों की माला देंगी, जूतों की माला मिलेगी अगर बदतमीजी करोगे तो, बदतमीजी से कम है, अच्छे से रिप्लाई करोगे तो फूलों की माला भी मिलेगी, मिलती है भाई पॉजिटिव वालों को जब हम रिप्लाई करते हैं। और बहुत टाइम हो गया कमेंट सेक्शन की वीडियो नहीं बनी है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, मैंने कमेंट्स तो निकाल लिए हैं, मैं जल्दी कमेंट सेक्शन की वीडियो बनाती हूँ। अभी थोड़ी लाइफ में भसड़ चल रही है जो आपको बता नहीं सकते क्या क्या चल रहा है, और ब्लॉग देख ही पा रहे होंगे आप लोग क्या क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। बाकी जल्दी निकलेंगे हम अपनी लाइफ की भसड़ से, तो आप लोग को सब कुछ बताएंगे। हाँ कहाँ हटूँ, मम्मा पैर धोने
कौन से पैर से? ये मोचे सॉक्स जल जाएंगे नीचे से। वीवो कलाकार हो रहा है। वीवो नीचे से सॉक्स जल। इसको कैप कैसे बना दिया ये और तुमने? मास्क की तरह ऐसा बात करो यार, लड़की को परेशान करते हो तुम। फाइनली आग जल गई बढ़िया वाली। साक्षी मिश्रा तो वैसे भी हर जगह आग लगाने का काम करती हैं लोगों के अकॉर्डिंग, तो घर में क्यों ना लगाएं अपने। हाँ वीवो, ये कौन है? बाकी एक राजेंद्र कुमार भाई हैं कोई, ये लिख रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी राजेंद्र कुमार गौतम जिला बुलंदशहर से। तो एक इन जैसे भाई भी हैं जो इतना पॉजिटिव सोचते हैं, फिर इतना पॉजिटिव लिखते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, इसलिए मतलब हर किसी का देखने का नज़रिया है, कोई अलग तरीके से देखता है, कोई बेकार तरीके से देखता है। तो आप लोग अपनी सोच को दर्शाते हो हमारे कमेंट्स में आकर कि आप लोगों की सोच कैसी है, हमें लेकर नेगेटिव हैं आप लोग। और हमें लेकर इतने नेगेटिव मत हो जाना, हमें नीचा दिखाने के चक्कर में खुद ऊपर मत पहुंच जाना, समझे? तो सामने वाले को इतना नीचा मत दिखाओ कि खुद ही तुम एक दिन ऊपर पहुंच जाओ। जाना तो सबको ऊपर है, तो यार एक पॉजिटिविटी लेके रहा करो ना जीवन में, और एक पॉजिटिव लाइफ लेके चलोगे, पॉजिटिव सोचोगे सामने वाले के बारे में, तो ज़्यादा बेटर होगा। और खुदा बनने की कोशिश मत करो, ना तुम भगवान हो, ना तुमने किसी को बनाया है, ना तुम किसी को रोटी दे रहे हो, ना तुम किसी की लाइफ में आकर कुछ भी दुख दर्द अपना बांट रहे हो, है ना? कि भाई हमसे पूछ रहे हो कि साक्षी रोटी खा रही हो नहीं खा रही हो, तो तुम्हें बोलने का आगे कुछ बोलना चाहते हो तुम भी? बार बार पीछे से लपक रहे हो कैमरे में आके। तो अपनी लाइफ में मस्त रहो और जीने दो, और जियो और जीने दो। अब भाई जिसकी जल रही है वो अपनी जलाते रहिए। हम अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आप लोग हमारे ब्लॉग को यूं ही प्यार देते रहिए। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग अब बाहर के ब्लॉग लाइए, घूमने जाइए। तो हम लोग पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोग आपको जल्द से जल्द बाहर के ब्लॉग लेके आए, घूमने जाए। तो कोई कमेंट भी तो कर रहे थे कि वो कोई नया टॉपिक लाओ, बोर हो गए ये देखते देखते। तो भैया डेली जो भी लाइफ का शेड्यूल रहता है, लाइफ में जो भी चल रहा होता है वो लाते हैं। हम लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं है गाइस, हम लोग का डेली ब्लॉगिंग चैनल है। तो हमारा जो मन करेगा वो, कंटेंट क्रिएटर नहीं है, डेली ब्लॉगर है। तो डेली जो होगा वो डालेंगे ब्लॉग में। और आपको एंटरटेन होना है तो आप एंटरटेनिंग ब्लॉग देख सकते हैं। और भी चैनल है। और बाकी आप हमारे फेस्टिवल ब्लॉग्स नहीं देखते होंगे तभी आपने, क्योंकि ऐसे लोग देख एक ब्लॉग देख कर ही कमेंट कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते कि हम लोग किस तरह क्या सेलिब्रेट करते हैं। बस एक ब्लॉग को देखकर बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको आप अगर बोर हो रहे हैं तो आप दूसरे ब्लॉग्स पर जा सकते हैं एंटरटेन। हमारी लाइफ में तो जो हो रहा है हम अपने सब्सक्राइबर्स को वही बताते हैं, एक रियलिस्टिक लाइफ दिखाते हैं, ये नहीं कि बनावटी चीज़ें दिखा रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। बाय, लव यू ऑल।